C I E T -N C E R T प्रेजेंट्स ट्रायलिंगल डिक्शनरी ऑफ जोग्राफी फॉर स्कूल्स भूगोल विद्यालयों के लिए त्रिभाषी शब्दकोश जोग्राफिया की लगत स्कूलों के लिए सहेल आसानी इंडेक्स लेटर डी डेली मीन टेम्परेचर पेज थर्टी डेयरी फार्मिंग पेज थर्टी Dam. Page 30. Data. Page 30. Death rate. Page 30. Debris. Page 30. Deciduous forest. Page 31. Deflation. Page 31. Degradation. Page 31. Degree. Page 31. Deep sea plain. Page Thirty one Delta Page thirty one Demography Page thirty two Dendritic drainage Page thirty two Density of population Page thirty two Denundation Page thirty two Dependency ratio Page thirty two Depression Page thirty two Desalinization. Page 32. Desert. Page 33. Desert pavement. Page 33. Developed resources. Page 33. Dew. Page 33. Dew point. Page 33. Disaster. Page 33. Discordant. Page 34 dispersion page 34 distributary page 34 distribution map page 34 diurnal range of temperature page 34 duab page 34 dock page 35 doldrums page 35 dormant volcano page 35 downs page 35 drainage page 35 drainage basin page 35 drilling page 35 drought page 35 drumlin page 35 dry farming page 36 dune page 36 dune page 36 dust page 36 dykes page 36 now let's move to the dictionary of geography d page 30 daily mean temperature the average temperature of a day obtained by dividing the summation of maximum and the minimum temperature during a day by 2. दैनिक औसत तापमान एक दिन का औसत तापमान जो अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान के योग को दो से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है यौमिया वस्ती दर्जय हरारत किसी दिन का औसत दर्जय हरारत जो रोजाना के सबसे ज्यादा और सबसे कम दर्जा हरारत के मजमूए को दो से तकसीम देकर हासिल किया जाता है डेयरी फार्मिंग सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद ग्रोइंग ऑफ हे एंड फोडो क्रॉप्स टू फीड द कैटल डेयरी उद्योग दुग्ध एवं अन्य डेयरी उत्पाद के उत्पादन के लिए पशुधन के प्रजनन एवं पालन पोषण की पद्धति इसके साथ ही पशु के भरण पोषण के लिए शुष्क घास एवं चारा फसल का वर्धन डेयरी फार्मिंग मवेशियों को खिलाने के लिए भूसा और चारा उगाने के अलावा दूध और दूध से बनी दीगर अशिया की तैयारी के लिए मवेशियों की नस्ल अफसाई और उनकी परवरिश का निजाम डैम अ बैरियर बिल्ट टू इंपाउंड द फ्लोइंग वॉटर एंड क्रिएटिंग अ रिजर्व इन ऑर्डर टू रेग्यूलेट द वॉटर फ्लो और कंट्रोलिंग फ्लड्स प्रोवाइडिंग वॉटर फॉर इरीगेशन जेनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फिशरी नेविगेशन एंड टूरिज्म एट्सेट्रा बांध प्रवाही जल को अवरुद्ध करने के लिए बनाई गई रोधिका एवं जलाशय की स्थापना ताकि बाढ़ के नियंत्रण सिंचाई के लिए जलापूर्ति, जल विद्युत उत्पादन मत्स्य उद्योग नौसंचालन, पर्यटन इत्यादि के लिए जल प्रवाह को नियंत्रित किया जा सके बांध पानी की जखीराकारी की गरज से बहते हुए पानी को रोकने के लिए तामीर करदा एक रुकावट डेटा क्वांटिटेटिव और न्यूमरिक इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर फिजिकल एंड सोशल एनवायरमेंट विच कैन बी यूज फॉर फर्दर एनालिस एंड इम्प्रूविंग आवर अंडरस्टैंडिंग आंकड़ा हमारे भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर मात्रात्मक या संख्यात्मक सूचना जो आगे विश्लेषण एवं हमारी समझ को बेहतर बनाने में उपयोग की जा सकती है आदादो शुमार, हमारे तबीयी और समाजी माहौल के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतल मकदारी या अददी मालूम जिनका इस्तेमाल मजीद तज् करने और फहम में इजाफे के लिए किया जाता है डेथ रेट द नंबर ऑफ डेथ्स पर population पॉपुलेशन इन ऑफ अ रीजन मृत्यु दर किसी क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या पर मरने वाले लोगों की संख्या शरह अमवात एक साल में किसी खत्ते की फी हजार आबादी में मरने वाले अफराध की तादाद डेबरी फ्रेंच टर्म मीनिंग रैकेज एन अक्यूमुलेशन ऑफ ब्रोकन मटीरियल सच एज ग्रेवल सैंड एट्सेट्रा देर हैव बिन मूवड फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डिपोजिटेड एट अनादर प्लेस बाय एजेंट्स ऑफ इरोजन सच एज रिवर विंड ग्लेशियर एटसेट्रा मलबा डिब्री एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है मलबा टूटे हुए पदार्थों का संचयन जैसे बजरी बालू इत्यादि जो अपने उत्पत्ति के स्थान से हट गए हैं एवं अपर्दन के कारकों जैसे नदी पवन हिमनद आदि द्वारा अन्य स्थान पर निक्षेपित हो गए हैं मलबा एक फ्रांसीसी इस्तेला जिसका मतलब है टूटी फूटी अशिया टूटे हुए मादों का जमाव मसलन बजरी रेत वगैरह को कटाव के जराए, मसलन नदी हवा ग्लेशियर वगैरह उनकी असल जगह से हटाकर दूसरी जगह जमा कर देते हैं डिसजुअस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यूजुअली हैविंग ब्रॉड लीव्ड ट्रीज एंड श्रब्स दैट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन टू रिड्यूस वॉटर लॉस एग्जाम्पल टीक साल पीपल सेट्रा पेज थर्टी वन पर्णपाती वन उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण वन जिसमें सामान्यतया चौड़ी पत्तियों वाले वृक्ष एवं झाड़ियां होती हैं जो शुष्क मौसम में जल के ह्रास को कम करने के लिए अपने पत्ते झाड़ देते हैं उदाहरणतः टीक साल पीपल नीम इत्यादि पतझड़ जंगल हारी और नीम नीमहारी जंगल जिनमें अमूमन चौड़ी पत्तियों वाले दरख्त और झाड़ियां खुश्क मौसम में नमी बचाने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं मसलन सागवान साल पीपल नीम वगैरह डिफ्लेशन द प्रोसेस ऑफ विंड इरोजन इन विच लूज पार्टिकल्स ऑन द ग्राउंड मे बी रोल्ड अलॉन्ग ब्रोकन इन द प्रोसेस ड इन दी एयर एंड कैरिड एल्सवेर देंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन देअर साइज एंड फोर्स ऑफ द विंड अपवाहन वाती अपर्दन की प्रक्रिया जिसमें स्थल पर अदृढ़ कण साथ लुढ़कते हैं इस प्रक्रिया में टूटते हैं वायु में उठते हैं एवं अन्य स्थान पर ले जाए जाते हैं इन कणों की क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर गति की मात्रा इनके आकार एवं पवन के बल पर निर्भर करती है अजाला हवा से होने वाले कटाव का अमल जिसमें जमीन पर मौजूदा जर्रात टूटकर उड़ते हैं और कहीं और पहुंच जाते हैं इन जर्रात की उफकी और उमूदी हरकत की हद का इसार हवा के हजम और ताकत पर होता है

कटाव के जराए, मसलन बहते हुए पानी हवा और ग्लेशियर के जेरे असर सतह जमीन पर बतदरीज गड्ढा बनने और हमवार होने का अमल डिग्री वन यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सच एज एटमोस्फेयर वाटर एंड ह्यूमन बॉडी एटसेट्रा इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस डिग्री सी फेहरन हाइट degree f kelvin degree k scales 2 a unit of angular measurement it is used to measure latitude and longitude and location of celestial bodies 3 it is also used in measuring the angle of slope ansh ek Vibhinnu vastuon karakon jaise vayumandal jal मानव शरीर आदि के तापमान को मापने की इकाई ये सेल्सियस डिग्री से फेहरनहाइट डिग्री फा केल्विन डिग्री के, के मापकों पर मापी जाती है दो कोणीय माप की एक इक इकाई ये अक्षांश व देशांतर एवं खगोलीय पिंडों की स्थिति को मापने में प्रयुक्त होती है तीन ढाल के कोण को मापने में भी प्रयुक्त होती है डिग्री एक मुख्तलिफ चीजों मसलन मसल हवा, पानी और इंसानी जिस्म का दर्ज हरारत नापने की इकाई इसकी पैमाइश डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री कैल्विन पैमानों पर की जाती है दो जावियाई पैमाइश की इकाई इसे तूलुल बलद और अर्जुल बलद नापने और में फलकी के महलो वकू को पता लगाने में इस्तेमाल किया जाता है तीन इसे ढलान के जाविये की पैमाइश में भी इस्तेमाल किया जाता है डीप सी प्लेन अ वाइड स्प्रेड लेवल ट्रैक्ट ऑफ लैंड ऑन द ओशन फ्लोर सी ऑल्सो एबिसल प्लेन गंभीर सागरी मैदान महासागर सतह पर एक विस्तृत समतल क्षेत्र देखें वितलीय मैदान गहरे समंदरी मैदान फर्श समंदर पर जमीन का दूर तक फैला हुआ हमवार खिता मजीद देखें पाताली मैदान डेल्टा अमोरोस ट्रायंगुलर और शेप्ड लो लाइंग एंड लेवल ट्रैक्ट ऑफ लैंड Formed by deposition of alluvium at a river mouth where the river enters a relatively calm water body. The term has been derived from the Greek letter delta. Example Ganga Brahmaputra Delta, Nile Delta, see Arcuate Delta. Delta Prayaha Tribhujakar, Athwa Pankhakar. निम्नस्थ एवं समतल क्षेत्र जो नदी के मुहाने पर जलोढ़क के निक्षेप से बना है जहाँ नदी अपेक्षाकृत शांत जल क्षेत्र जलाशय में प्रवेश करती है ये शब्द क्रीक अक्षर डेल्टा से लिया गया है उदाहरण के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा नील डेल्टा देखें चापाकार डेल्टा डेल्टा कमोबेश मसलसी या पंखानुमा नशेबी और हमवार पितई जमीन जो दरिया के दहाने पर सैलाबी मिट्टियों के जमा होने से बनता है जहाँ दरिया निस्पतन पुरसकुन आबी हजम समंदर में दाखिल होता है ये स्टलाह यूनानी हर्फ डेल्टा से माखोज है मसलन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा और नील डेल्टा मजीद देखें कौसी डेल्टा पेज Thirty-two. Demography, the scientific study of human population, its size, composition, structure, distribution, and change on account of birth, death, and migration over time and space, using empirical, mathematical, and statistical analysis. Jansanghiki, Anubhavik. गणितीय एवं सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रयोग करते हुए मानव जनसंख्या उसके आकार संगठन संरचना वितरण तथा जन्म मृत्यु एवं प्रवास के कारण बदलाव का समय एवं स्थान के संदर्भ में वैज्ञानिक अध्ययन आबादियात इंसानी आबादी उसके साइज अज्जाई तरकीबी साख्त तकसीम और वक्त और मकाम के एतबार से पैदाइश मौत और सुकूनत में तब्दीली का साइंसी मतलब जिसमें तजुर्बती रियाजियाती और शुमारियाती तजिए का तरीका काम में लाया जाता है टेर विद यूनिफॉर्म अंडरलाइंग रॉक्स इट रिजेंबल्स अ ट्री वैद मेन रिवर लुक्स लाइक अ ट्रंक एंट्रीब्यूट्रीज एज इट्स ब्रांचेज द टर्म इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेंड्रॉन मीनिंग अट्री द्रुमाकृतिक प्रवाह सरिताओं का जाल जो एक समान अधस्थ शैलों के भू भाग पर विकसित हुआ है यह एक वृक्ष के सदृश होता है जहां मुख्य नदी तने कांड की भांति दिखाई देती है एवं इसकी सहायक नदियां इसकी शाखाओं की भांति दिखाई देती हैं। ये शब्द ग्रीक शब्द डेंड्रॉन से लिया गया है जिसका अर्थ है वृक्ष शजरनुमा पन्निकासी हमवार निचली चट्टानों वाली कत्ताए जमीन पर बनने वाला नदियों का जाल ये किसी दरख्त जैसा लगता है जिसमें असल दरिया तना और मुआफिन नदियां शाखें मालूम होती हैं ये इतलाह यूनानी लफ्ज डेंड्रोन से माखूज है जिसका मतलब दरख्त है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया एग्जाम्पल पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या उदाहरणतया व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कसाफते आबादी पी इकाई रकबे में अफराद की तादाद मसलन मुरबा किलोमीटर में रहने वाले लोगों की तादाद डिनेशन प्रोसेस ऑफ वेदरिंग मास मूवमेंट इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन दैट रिमूव द अर्थ सर्फेस मटीरियल्स द टर्म इज डाइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड यू मीनिंग टू स्ट्रिप अनाच्छादन अपक्षय बृहत संचलन अपर्दन एवं परिवहन की प्रक्रियाएं जो भूपृष्ठ के पदार्थों को हटा देती हैं ये शब्द लैटिन शब्द डेन्युडेयर से लिया गया है जिसका अर्थ है अनावृत्त करना उरियाकारी फरसूदगीदों की हरकत कटाव और नकलोहमल का अमल जो सतह जमीन पर मौजूद मादों को हटाते हैं ये लैटिनी लातिनी लफ्ज डेर से माखूज है जिसका मतलब है नंगा करना डिपेंडेंसी रेशो, रेशो बिटवीन द नॉन वर्किंग पॉपुलेशन टू द वर्किंग और पोटेंशियली एक्टिव पॉपुलेशन इन इंडिया चिल्ड्रन बिलो फोर्टीन एंड पीपल अबव सिक्सटी ईयर्स आर इंक्लूडेड अंडर डिपेंडेंट पॉपुलेशन आश्रित अनुपात अनर्जक जनसंख्या एवं श्रमजीवी अथवा सामान्य क्रियाशील जनसंख्या के बीच का अनुपात भारत में चौदह वर्ष से छोटे बच्चे एवं साठ वर्ष से अधिक के व्यक्ति आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं शरह इनहिसार काम न करने वाली आबादी और काम करने वाली या मुमकिन तौर पर फाल आबादी का तनासुब हिंदुस्तान में चौदह साल से कम उम्र के बच्चे और साठ साल के ऊपर की उम्र के लोग मुंहसर आबादी में शुमार किए जाते हैं डिप्रेशन वन इन क्लाइमेटोलॉजी इट रिफर्स टू अ लो प्रेशर सिस्टम कॉजिंग स्पायरल मूवमेंट्स ऑफ विंड्स टूवर्ड्स द सेंटर टू इन जियोलॉजी इट इज यूज टू डिस्क्राइब अ संकन एरिया ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ निमज्जन एक जलवायु विज्ञान में इसका अभिप्राय निम्न दाब तंत्र से है जो केंद्र की ओर पवनों की सर्पिल गति के कारण बनता है दो भूविज्ञान में यह भूपृष्ठ पर धंसे हुए क्षेत्र का वर्णन करता है कसाद बाद या नशेब एक मौसमयात में इसका मतलब हुआ कि पस्त दबाव का निजाम है जिसकी वजह से हवाई मरकज की तरफ चक्करदार हरकत करती हैं दो अर्जियात में इस असलाह से मुराद सतह अर्ज पर धसे हुए हिस्से हैं डिसलिनाइजेशन प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉल्ट एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सॉयल और वॉटर टू मेक इट सूटेबल फॉर ह्यूमन यूज पेज थर्टी थ्री विलवणीकरण नमक को हटाने की प्रक्रिया उदाहरण के लिए मनुष्य के उपयोग हेतु उपयुक्त बनाने के लिए मृदा एवं जल से नमक हटाना इजालाए शोरियत नमक को हटाने का अमल मसलन मिट्टी या पानी में से नमक दूर करके उन्हें इंसानों के इस्तेमाल के काबिल बनाना डेजर्ट an arid region with very low vegetation cover and short growing season there are two types of deserts warm and cold warm deserts are characterized by very low precipitation as compared to high water loss due to evapotranspiration example thar cold deserts are characterized by precipitation in the form of snow extremely low temperature एंड स्ट्रॉग कोल्ड विंड्स एग्जाम्पल लद्दाख मरुस्थल एक शुष्क प्रदेश जहां अति निम्न वनस्पति आवरण एवं लघुवर्धन काल होता है मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं कोष्ण और शीत कोष्ण मरुस्थल की विशेषता अति निम्न वर्षण की तुलना में वाष्पन वाष्पोत्सर्जन के कारण उच्च जलह्रास है उदाहरणतया थार शीत मरुस्थल की विशेषता हिम के रूप में वर्षण अत्यंत निम्न तापमान एवं तीव्र शीत पवने हैं उदाहरण के लिए लद्दाख रेगिस्तान एक खुश्क इलाका जहाँ पेड़ पौधे बहुत कम हो और काश्त का मौसम मुख्तसर हो रेगिस्तान दो तरह के होते हैं गर्म और सर्द गर्म रेगिस्तानों की खसूसियात में अखराज बुख़ारात की वजह से हद दर्जा पानी की कमी और कम कमतर सीब शामिल है मसलन, थार रेगिस्तान। सर्द रेगिस्तानों की खसूसियात में बर्फबारी की शक्ल में तरसीब हद दर्जा कम दर्जा हरारत और शदीद सर्द हवाएं शामिल हैं मसलन लद्दाख डेजर्ट पेट्स एन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ बेयरपेबल्स एंड कोर्स पार्टिकल्स च कम टूगेदर बाय रोलिंग एंड जॉसलिंग वाइल विंड ब्लोज ऑफ द फाइनर पार्टिकल्स दिसकवर प्रोटेक्ट्स द ग्राउंड फ्रॉम फर्दर विंड मरुकुट्टिम नग्न गुटिका एवं स्थूल कणों का एक विस्तृत क्षेत्र जहां वे एक दूसरे को ढकेलते लुढ़कते साथ आते हैं जबकि महीन कण वायु द्वारा उड़ा लिए जाते हैं ये आवरण स्थल वायु अपर्दन से रक्षा करता है रेगिस्तानी फर्श बरहना ऐसे बरहना कंकर पत्थर और मोटे जर्रात वाला एक वसीय इलाका जो एक दूसरे से रगड़ने और लुढ़कने से बना है इसमें बारीक जर्रात उड़ जाते हैं यह खिलाफ जमीन को मजीद कटाव से महफूज रखता है डिवेलप्ड दैट आर इन यूज सब्जेक्ट टू टेक्नो इकोनॉमिक फीजिबिलिटी विकसित संसाधन संसाधन जो उपयोग में है बशर्ते कि तकनीकी आर्थिक संभाव्यता हो तरक्की याफ्ता वसाइल तकनीकी व इकतसादी तौर पर काबिल अमल होने के लिहाज से इस्तेमाल में लाए जाने वाले वसाइल ड्यू condensation ऑफ moisture इन the फॉर्म ऑफ water ड्रॉपलेट्स ऑन the surface ऑफ वेजिटेशन एंड अदर ऑब्जेक्ट्स near the ग्राउंड ड्यूरिंग नाइट ओस रात में स्थल के निकट वनस्पति एवं अन्य वस्तुओं की सतह पर जल की सूक्ष्म बूंदों के रूप में नमी का संघनन शबनम रात में नबातात और दीगर चीजों की सतह पर पानी के कतरात की शक्ल में रतूबत की तकसीफ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर टू विच एयर इज कूल्ड एंड गेट सैचुरेटेड विद वॉटर वेपर एट दिस टेम्परेचर द कॉन्डेंसेशन बिगिनस ओसांक तापमान जिस पर वायु शीतल हो जाती है एवं जल वाष्प से संतृप्त हो जाती है इस तापमान पर संघनन आरंभ होता है नुकताए शबनम वो दर्जा हरारत जिस पर हवा ठंडी होती है और आबी बुखारात से भर जाती है इस दर्जा हरारत पर तकसीफ की इब्तदा होती है डिजास्टर नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड फिनोमिन अकरिंग विद इन अ शॉर्ट पीरियड कॉजिंग मेजर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एग्जाम्पल अर्थक्वेक भोपाल गैस लीक आपदा एक प्राकृतिक अथवा मानव द्वारा उत्पन्न परिघटना जो लघु अवधि में जीवन एवं संपत्ति को भारी क्षति पहुंचाती है उदाहरण के लिए भूकंप भोपाल गैस रिसाव आफत मुख्तसर वक्फे में वाक़ होने वाला कुदरती या इंसानों की लाई हुई तबाही से होने वाला शदीद जानी और माली नुकसान मसलन भुज का जल्जला सुनामी भोपाल गैस अल्मिया पेज थर्टी फोर डिस्कॉडंट इन जियोग्रफी द फिनोमिन इज अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ परफेक्ट सिमिट्री बिटवीन स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टाइम एनी फिनोमिनम दैट इज ए सीमिट्रिकल टू अ गिवन ऑर्डर इज कॉल्ड डिस्कॉडंट विसंगत भूगोल में किसी परिघटना को संरचना प्रक्रम एवं समय में पूर्ण सम्मिति के रूप में समझा जाता है कोई भी परिघटना जो दिए गए क्रम में असम्मित होती है उसे विसंगत कहते हैं बे आहंग जुग्राफ़िया के असलाह में किसी मज़हर को साख्त तरीके अमल और वक्त में मुकम्मल तनासुब की शक्ल में समझा जाता है कोई भी मज़हर जो दी गई तरतीब में गैर मुतनासिब हो उसे भी आहम कहते हैं डिस्पर्जन अ स्टेटिस्टिकल टर्म दैट रिफर्स टू द स्प्रेड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट इट कैन बी मेजर्ड इन बोथ एब्सल्यूट एज वेल एज रेलेटिव टर्म्स स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन आर एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रिस्पेक्टिवली प्रणन एक सांख्यिकीय पद जिसका अभिप्राय एक केंद्रीय बिंदु से प्रेक्षण के समुच्च के विस्तार से है इसे निरपेक्ष एवं सापेक्ष पदों में मापा जा सकता है मानक विचलन एवं विचरण गुणांक क्रमशः इसके उदाहरण हैं इंतशार एक शुमारियाती असलाह जिसका मतलब किसी मजमू मुशाहिदात का एक मरक़ी नुक़े के गिरद फैलाव से है इसकी पैमाइश मतलब और इजाफी दोनों तरीकों से की जा सकती है मयारी इनहराफ और तगेरी जरीब इनकी बिल तरतीब मिसालें हैं डिस्ट्रीब्यूटरी अ चैनल ऑफ अ रिवर विच ब्रांचेज ऑफ फ्रॉम द मेन चैनल मोस्टली इन इट्स लोअर कोर्स ड्यू टू हेवी लोड ऑफ सेडिमेंट्स एंड जेंटल स्लोप इट डज नॉट ज्वाइन द मेन स्ट्रीम अगैन एग्जाम्पल रिवर हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा सी ऑल्सो एक्रोथ डेल्टा वित्रिका नदी की एक वाहिका जो मुख्यतः निचले मार्ग में तल छठ के विशाल भार एवं मंदढाल के कारण मुख्यवाहिका से अलग हो जाती है ये दोबारा मुख्यवाहिका में नहीं मिलती है उदाहरणतया हुगली नदी गंगा नदी की एक वित्रिका है देखें चापाकार डेल्टा शाखे दरिया असल दरिया से निकलने वाली शाखें दरिया के निचले हिस्सों में रसूबों के भारी जमाव और हल्की ढाल की वजह से दरिया कई हिस्सों में मुनकसिम हो जाता है और ये शाखें दोबारा असल दरिया में नहीं मिलती मसलन हुगली नदी दरियाए गंगा की शाख है मजीद देखें कौसी डेल्टा डिस्ट्रीब्यूशन मैप representation ऑफ डेटा और information ऑन अ मैप रिगार्डिंग इट्स spatial एंड टेम्परल dimensions एग्जाम्पल डेंसिटी ऑफ population प्रेसिपिटेशन etc वितरण मानचित्र मानचित्र पर उसके स्थानिक एवं कालिक विस्तार के संदर्भ में आंकड़े अथवा सूचना का निरूपण उदाहरणतया जनसंख्या का घनत्व वर्षण इत्यादि तकसीमी नक्शा वो नक्शा जो शुमार या मालूम की मकानी और जमानी जहाज की अक्कासी करता हो मसलन आबादी की कसाफत और तरसीब या बारिश वगैरह डायनल रेंज ऑफ टेम्परेचर द डिफ्रेंस बिटवीन द मैक्म एंड मिनिमम टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ डे ट्वेंटी फोर आवर्स एट अ पर्टिकुलर प्लेस दैनिक ताप अंतर किसी स्थान पर एक दिन 24 घंटे में अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर योमिया दर्जय हरारत का तफावत किस मखसूस मकाम पर एक दिन 24 घंटे में दर्ज किए गए सबसे ज्यादा और सबसे कम दर्ज हरारत के दरमियान फर्क दो आब लोकल टर्म यूज्ड फॉर एन एलूवियल प्लेन लोकेटेड बिटवीन टू कन्वर्जिंग रिवर्स इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडो प्लेन एग्जाम्पल गंगा यमुना दोआब दिस लैंडफॉर्म इज नोन एज इंटरफ्लू सिमिलर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म बिटवीन फाइव रिवर्स इज नोन एज पंजाब दोआब एक स्थानीय शब्द जिसका प्रयोग सिंधु गंगा मैदान के पश्चिमी भाग में दो अभिसारी नदियों के बीच में स्थित जलोढ़ मैदान के लिए किया जाता है इस स्थल रूप को दोआब कहते हैं इसी प्रकार पांच नदियों के बीच का स्थल रूप पंजाब है दोआबा हिंद गंगा मैदान के मग़रबी हिस्से में दो मिलने वाले दरियाओं के दरमियान वाक़ सैलाबी मैदान के लिए इस्तेमाल होने वाली एक मकामी इतलाह मसलन गंगा जमुना दो आबा इस जमीनी शक्ल को दो आबा कहते हैं इसी तरह पांच दरियाओं के दरमियान मौजूद खुश्क मैदानी हिस्से को पंजाब पंजाब कहते हैं पेज थर्टी फाइव डॉक अ प्लेटफॉर्म बिल्ट ऑफ अ सी शोर व शिप्स एंकर फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग डॉक समुद्र तट पर निर्मित एक वेदी जहां माल भरने व उतारने के लिए पोत लंगर डालते हैं गोदी साहिले समंदर से जरा हटकर बना हुआ एक चबूतरा जहाँ सामान लादने और उतारने के लिए जहाज लंगर डालते हैं डोल ड्रम्स, अ कन्वर्जेंस जोन ऑफ ट्रेड विंड एक्सटेंडिंग ओवर अ फ्यू डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर लार्जली ओवर द ओशंस इट इज कैरेक्टराइज बाई लाइट वेरिएबल विंडस ऑन काम कंडीशंस इनस्पाइट ऑफ सच कंडीशंस कन्वेक्शनल एक्टिविटी रिजल्ट इन हेवी रेन एंड थंडस्टॉम्स डोल्ड्रम व्यापारिक पवनों का अभिसरण कटिबंध जो विशुवत वृत्त के उत्तर एवं दक्षिण में कुछ डिग्री तक विस्तृत है मुख्यतः महासागरों के ऊपर इसकी विशेषता मंद परिवर्ती पवने अथवा शांत परिस्थितियां हैं ऐसी दशाओं के बावजूद संवहनी क्रिया के कारण भारी वर्षा एवं तड़ित झंझा आते हैं डोलड्राम तिजारती हवाओं के उतरने और बाह मिलने का वो इलाका जो अमूमन समंदर पर ख़ते इस्तिवा से चंद डिग्री शुमाल और जनूब में फैला हुआ है हल्की रफ्तार की मुतगैयर हवाएं यह पुरसकून माहौल इसकी खसूसियात में शामिल हैं। इन हालात के बावजूद हमली सरगर्मी के नतीजे में बिजली की कड़क के साथ भारी बारिश होती है डोमिनट वोल्केनो अ वोल्केनो विच हैज बीन इन फॉर अ कंसिडरेबल टाइम इन द पास्ट इट मे अवेवागैन एग्जाम्पल माउंट विसुवियस इटली प्रसुप्त ज्वालामुखी एक ज्वालामुखी जो अतीत काल से निष्क्रिय है किंतु उसमें दोबारा उद्गार हो सकता है उदाहरण के लिए माउंट विसुवियस, इटली ख्वाबीदा आतिशफशा वो आतिशफशा जो एक तवील अरसे से गैर फाल रहा हो मगर जिसके दोबारा फूट पड़ने का इम्कान हो मसलन इटली का वसुवियस पहाड़ डाउन्स एक मिडलैटिट्यूड ग्रासलैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया टू अ लैंडफॉर्म विथ जेंटली अंड्यूलेटिंग हिल्स डाउन एक ऑस्ट्रेलिया के मध्य अक्षांश घास स्थल दो एक स्थल रूप जिसमें मंद तरंगित पहाड़ियां हैं डाउन्स एक ऑस्ट्रेलिया में वस्ती अर्जुल बलत के घास के मैदान दो हल्के उतार चढ़ाव की पहाड़ियों वाली अर्जी शकलें ड्रेनेज नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर इन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स सी एंटीसीडेंट ड्रेनेज अपवाह तंत्र सरिताओं एवं नदियों में जल का प्राकृतिक प्रवाह देखें पूर्ववर्ती अपवाह पिन निकासी चश्मों और दरियाओं में पानी का कुदरती बहाव मजीद देखें कदीम नदी ड्रेनेज बेसन द एरिया ड्रेन्ड बाय द मेन रिवर ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज द डिमार्केशन ऑफ ड्रेनेज बेसन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ वॉटर डिवाइड सी ऑल्सो डेंड्रिटिक ड्रेनेज अपवाह द्रोणी क्षेत्र जो मुख्य नदी सहायक नदियों एवं वित्रिकाओं द्वारा अपवाहित होता है अपवाह तंत्र का सीमांकन जल विभाजक के आधार पर किया जाता है देखें द्रुमाकृतिक अपवाह पिन निकासी तास। असल दरिया मुआविन दरियाओं और दरिया की शाखों के जरिए सैराब इलाका निकासी तास की हदबंदी फासले आप से की जाती है मजीद देखें शजरनुमा निकासी ड्रिलिंग द प्रोसेस ऑफ बोरिंग अ डीप होल इन टू द अर्थ टू एक्सट्रैक्ट रिजर्व लाइक वॉटर पेट्रोलियम नेचुरल गैस एटसेट्रा दैट अकर्स फार बिलो द अर्थ सर्फिस ड्रिलिंग इज ऑल्सो डन टू पुट सब्सटेंसेज डीप बिलो द अर्थ सर्फिस प्रवेधन पृथ्वी में गहरे छिद्र वेधन की प्रक्रिया जिससे जल पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस इत्यादि निचय का निष्कर्षण किया जाता है जो पृथ्वी की सतह के नीचे पाए जाते हैं प्रवेधन पदार्थों को पृथ्वी की सतह में गहरे नीचे डालने के लिए भी किया जाता है बरमाई सतह जमीन के बहुत नीचे पाए जाने वाले पानी पेट्रोलियम और कुदरती गैस जैसे वसाइल के जख़ीरों को निकालने के लिए जमीन में बर्मे से गहरा सुराख करना बर्माकारी का इस्तेमाल सयालों को सतह जमीन के नीचे पहुंचाने में किया जाता है ड्राउट अ लॉन्ग एंड कंटिन्यूस पीरियड ऑफ ड्राई वेदर ड्यूरिंग विच देर इज नो सिग्निफिकेंट प्रेसिपिटेशन इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन फार एक्सीड्स दवेलेबल सॉइल मॉइस्चर रिजल्टिंग इन टू लॉस ऑफ क्रॉप्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ सूखा शुष्क मौसम की दीर्घ एवं सतत अवधि जिसमें सार्थक वर्षण नहीं होता है वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन उपलब्ध मृदा नमी से अधिक बढ़ जाता है जिसके कारण फसलों एवं जीवन के अन्य रूपों की हानि होती है खुश्क साली खुश्क मौसम का तवील और मुसलसल अरसा जिसके दौरान कोई खास बारिश नहीं होती तबखीर और पौधों से अखराज बुखार मिट्टी में मौजूद नमी के मुकाबले में कहीं ज्यादा हो जाते हैं जिससे फसलों और जिंदगी की दूसरी शक्लों को नुकसान पहुंचता है ड्रामलिन स्मूद राउंड एंड ओवल हिल फॉर्म्ड ऑफ वराइटीज ऑफ रॉक डिब्री लेफ्ट बिहाइंड बाई द ग्लेशियर इट इज एन आयरिश टर्म मीनिंग अल बैक पेज थर्टी सिक्स हिमन टिब्बा एक चिकनी गोल एवं अंडाकार पहाड़ी जो हिमनत द्वारा छोड़ दिए गए शैल मलबे की किस्मों से बनी है ये एक आयरिश शब्द है जिसका अर्थ है पृष्ठ ड्रमलिन ग्लेशियर के छोड़े हुए चट्टानी मलबे की मुख्तलिफ शक्लों से बनी हुई हमवार गोल और बेजवी पहाड़ी ये एक आयरिश इतलाह है जिसका मतलब है वेल की पीठ ड्राई फार्मिंग अ मेथड ऑफ फार्मिंग अडॉप्टेड इन एरिया ऑफ इनएडिक्वेट वाटर अवेलेबिलिटी बाय कंजर्विंग मॉइस्चर इन द सॉइल थ्रू मल्चिंग रेजिंग ड्राउट रेजिटेंट क्रॉप्स फ्रीक्वेंट फैलोइंग एंड रेगुलर रिमूवल ऑफ वीड्स वर्षाधीन खेती कृषि का एक प्रकार जो अपर्याप्त जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों में मल्च बनाकर मृदा की नमी को संरक्षित करके जलाभाव सह फसलों का वर्धन करके बहुधा भूमि को परती छोड़कर एवं नियमित खरपतवार का निष्कासन करके की जाती है खुश्क काश्तकारी काश्तकारी का वो तरीका जो पानी की कमी वाले इलाके में नबाती खाद की आमेजिश करके खुश्क साली से निमटने वाली फसलें उगाकर खेत को बार बार खाली रखकर और खुदरा घासों को चुनकर मिट्टी की नमी को महफूज किया जाता है दून, लोकल नेम फॉर द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक्स एग्जाम्पल देहरादून कोटलीदून एंड पटलीदून दून, दून।, दून। मध्य हिमालय एवं शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी के लिए एक स्थानीय नाम उदाहरणतया देहरादून कोटलीदून एवं पटलीदून दून छोटे दून। हिमालय और शिवालिक के इलाकों के दरमियान फैली उमूदी वादी के लिए एक मकामी इस्तलाह dune or patli dune dune a mound or hill of wind-blown sand which is formed due to any obstruction causing disruption in airflow dunes may be of various shapes and heights rising up to 50 meter dunes are also formed due to wave action along coastal areas आर ऑल्सो रेफर्ड एज फ्रंटल ड्यून्स एग्जाम्पल कोस्टल ड्यून्स ऑफ केरला टिब्बा वातोढ़ बालू का टीला अथवा पहाड़ी जो किसी अवरोध के कारण बना है जिससे वायु प्रवाह भंग हो जाता है टिब्बे विभिन्न आकार के हो सकते हैं एवं ऊंचाई 50 मीटर तक हो सकती है तटीय क्षेत्रों में टिब्बे तरंगों की क्रिया से भी बनते हैं उन्हें वाताग्री टिब्बे कहा जाता है उदाहरण के लिए केरल के तटीय टिब्बे रेत का टीला हवा के जरिए उड़ाए हुए रेत से बना ढेर जो हवा के बहाव में खलल डालने वाली किसी रुकावट की वजह से बनता है ये टीले मुख्तलिफ शक्लों और ऊंचाइयों के होते हैं जिनकी बुलंदी 50 मीटर तक हो सकती है ये टीले साहिली इलाकों पर बहरी मौजों के जेर असर पर भी बनते हैं मसलन केरला के साहिली टीले डस्ट टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मैटर लेस देन 0.6 पॉइंट सिक्स एम एम इन डायामीटर विच इज फाउंड इन द एटमोस्फियर और सेटल्ड ऑन एनी सर्फिस इट इज सो लाइट दैट इट कैन रिमेन सस्पेंडेड एंड कैरीड टू वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज धूल ठोस पदार्थ के लघु कण व्यास में शून्य दशमलव छह मिलीमीटर से कम जो वायुमंडल में पाए जाते हैं अथवा किसी सतह पर स्थित होते हैं ये इतने हल्के होते हैं कि वायुमंडल में लटके रह सकते हैं एवं बहुत लंबी दूरी तक ले जाए जा सकते हैं धूल कुर्रे हवा में पाए जाने वाले ठोस मादे के बारीक जर्रात जिनका कतर छह आशारिया सिफर मिलीमीटर से कम होता है जो किसी सतह पर जम जाते हैं ये इतने हल्के होते हैं कि हवा में मुतल रहते हैं और बहुत दूर तक जा सकते हैं डाइक्स वन डिस्कोर्डेंट वर्टिकल वॉल लाइक इंट्रूसिव इग्नियस स्ट्रक्चर इट इज फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा टू आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट बिल्टअ अलॉन्ग अ सी फ्रंट टू प्रोटेक्ट द कोस्टल लैंड फ्रॉम मरीन इंट्रूजन भित्ती एक विसंगत ऊर्धवाधर भित्ती की भांति अंतर्वेधी आग्नेय संरचना यह मैग्मा के शीतल एवं पिंडन जमाव से बना है दो एक कृत्रिम तटबंध जो तटीय भूमि को समुद्री अंतर्वेधन से बचाने के लिए समुद्र तटाग्र के साथ बना है देखें महास्कंद डाइक या पुश्ता एक बेमेल उमूदी दीवार नुमा दाखिली आतिशफिशानी साख्त ये मैग्मा के ठंडा होकर ठोस होने से बनता है दो साहिली जमीन को समंदरी मदाखलत से महफूज रखने के लिए साहिले समंदर पर बांधा गया पुश्ता मजीद देखे बैथुलित लेटर डी ऑफ ट्रायलिंग डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी फॉर स्कूल एंड रेड बाय नीरज यादव एंड सुम्बुल शकील यू एर जस्ट लिस्निंग टू दिस प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन राजेश निमेश सब्जेक्ट कोऑर्डिनेशन प्रोफेसर सविता सिन्हा प्रोजेक्ट एडवाइज doctor Bharti Kaushik Technical Coordination Bati Lingdo, Framework Advice Ajit Horo Assistance in Production Kusum Lata produced and directed by Vandana Arimardan and this presentation is brought to you by CIET NCERT New Delhi, India.